दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटिफाई योर स्पेसेस विद सोनिया में। आज आप लोगों को पता है मैं पिछले कुछ दिनों से अपना ड्रीम हाउस के वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड इन बिटवीन मैंने बीच में थोड़े DIYs किए हैं। प्रेजेंटली जिस घर में मैं रह रही हूँ, हम जिस घर में रहते हैं उसको डेकोर करने के मैंने कुछ DIYs बनाए थे, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ऑसम ईजी ब्यूटिफुल DIY लेके आई हूँ। होप यू गाइज विल लाइक इट। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। एंड इस चैनल में मैं बहुत सारे इंटीरियर के टिप्स देने वाली हूँ, और अगर आपको चाहिए तो आपकी हेल्प करने वाली हूँ लो बजट में, मिनिमम बजट में, या आपका बजट बहुत अच्छा है तो उस बजट में, एंड सेकेंडली नो बजट में ऑल्सो। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑलमोस्ट नो बजट DIY, जो मैं नो बजट DIY विच आई मेड एंड आई लव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं इस DIY के। इसके लिए आपको चाहिए एक सॉलिड सा कार्डबोर्ड, या मेरे पास एक सॉलिड सी डायरी थी उसका मैंने कवर ले लिया है, एंड एक सा मिरर जो मुझे फ्रेम के साथ मिला, मैंने उसका मिरर निकाल दिया है। नायलॉन की रस्सी मैंने ले ली है, ग्लू गन और मार्किंग के लिए एक जो भी आपको सर्कल मिलता है, कटोरी चम्मच या प्लेट, वॉटर, ग्लू गन एंड स्ट्रॉ। तो शुरू करते हैं। प्लेट ले ली, प्लेट में कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने मिरर रखा, मिरर के ऊपर मैंने सर्कल मार्क किया। आपके पास में जो भी मिरर अवेलेबल हो, ये देखिए मेरा प्लास्टिक का फ्रेम वाला मिरर। अब मैं कार्डबोर्ड या जो भी मेरा बोर्ड है मेरे पास में, उसमें अच्छे से ग्लू लगा लूंगी, बहुत अच्छे से स्टिक कर लूंगी। फेविकॉल मैंने लगाया है, मिरर उसके ऊपर चिपका दूंगी और चिपकाने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मेरे पास में बहुत सारे स्ट्रॉज हैं, अभी मैं स्ट्रॉज ले लूंगी। सारे स्ट्रॉज को मैंने, जितने भी स्ट्रॉज हैं, मैंने तीन भागों में इन स्ट्रॉज को बांट लिया है। कुछ स्ट्रॉज फुल लेंथ रखूंगी, कुछ स्ट्रॉज को मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया है, सभी को बराबर हिस्से में बांट लेंगे आप। तो स्ट्रॉस को मैं अब लगाने जा रही हूँ, ग्लू गन से चिपकाने जा रही हूँ। पहले सर्कल जो मैंने मार्क किया है उसी के राउंड और अच्छे से चिपका लूंगी मैं, उसी से सर्कल बना लूंगी। देखिए मेरे पास में जो ये बोर्ड है, जो मेरे पास में कार्डबोर्ड है, ये प्रॉपर सर्कल नहीं है, मेरा मिरर भी सर्कल नहीं है, बट स्टिल इट विल लुक गुड। और मेरा कार्डबोर्ड शायद थोड़ा अच्छा होता अगर मेरा मिरर थोड़ा बड़ा होता, या तो मैंने सर्कल छोटा लिया होता, बट समहाउ मुझे यही साइज चाहिए था, इसलिए मैंने ये ऐसे ही प्लान किया है। सो एक छोटा और एक बड़ा स्ट्रॉ हम लगा लेंगे, एक छोटा और एक बड़ा स्ट्रॉ, वन आफ्टर वन एक एक करके सर्कल के चारों तरफ लगाते चले जाएंगे ग्लू गन से। सो बहुत सारी स्ट्रॉ मेरे पास में रखी हुई थी, एंड इट वॉज लाइक स्ट्रॉ से क्या किया जाए, अभी प्लास्टिक का इस्तेमाल तो अच्छा नहीं है खाने पीने में या जो भी, तो उनको फेंका जाए तो ऑल्सो इट इज़ वेस्ट। सो देन आई थॉट, आइडिया मुझे आया कि क्यों ना इसे कुछ एक DIY बना लिया जाए। वैसे भी एंट्रेंस फॉयर एरिया पे मुझे एक मिरर की जरूरत है, और अभी मैं कोरोना सिचुएशन के कारण शोरूम्स वगैरह में जा नहीं पा रही हूँ, मटेरियल सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। एंड सेकेंडली इट्स अ बेस्ट चांस, मुझे लगा एक बहुत ही खूबसूरत मौका है टू DIY एंड टू बना के अपने घर को ब्यूटीफुल बनाने का, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। सो आई एम शेयरिंग विद एन इंटीरियर डिजाइनर, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, और सो हियर्स मी सोनिया टू हेल्प यू टू ब्यूटीफाई योर ओन प्लेस, ओन स्पेस। तो मैं सोनिया इस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और आपको वेलकम करती हूँ, और आपको शेयर करूँगी, आपको मदद करना चाहूँगी आपका घर, आपका अपना घर एक सुंदर पैलेस की तरह बनाने के लिए। छोटा या बड़ा से मतलब नहीं होता, लेकिन एक खूबसूरत घर पैलेस की तरह बनाने के लिए आपकी हेल्प के लिए मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल।
पूरा सर्कल में एक छोटा और एक बड़ा करके पूरा सर्कल लगा दिया है। अब उसके बाद सर्कल के ऊपर में बीच में इन दोनों के बीच में एक छोटे और एक बड़े के बीच में मैंने हाफ हाफ की लेंथ को बिल्कुल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी आधा कर दिया है। और अब इसको पूरा सर्कल बनाने के बाद में, एक छोटा और एक बड़ा सर्कल बनाने के बाद में, अब इसके बीच बीच में ग्लू गन की सहायता से, डबल डबल प्लेस में ग्लू गन की हेल्प से आप इसको बीच बीच में मैं स्टिक करने वाली हूँ। चिपकाते चले जाइए, फास्ट फास्ट चिपकाते चले जाइए, आप खुद भी कर सकते हैं या मेरे पास में अभी हेल्प है। क्योंकि बीच में एक एक हाफ सर्कल अच्छे से चिपका दीजिए। चिपकाने के, पूरा चिपकाने के बाद में मैंने, अब मेरे पास में नाइलॉन की एक रस्सी है, उसको भी मैं सेंटर पे चिपका दूंगी अच्छे से, और उसको भी ग्लू गन की हेल्प से पूरा चिपका दूंगी, ताकि जो स्ट्रॉज हैं उनके बीच के जो गैप है उसमें डस्ट ज़्यादा ना जाए। उसको भी मैं नाइलॉन की एक रस्सी से मैं उसी सर्कल के चारों तरफ में इसको बंद कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी। नायलॉन की रस्सी को मैंने ग्लू गन की हेल्प से पूरा इसका सर्कल में चिपका दिया है। आपके पास जूट रोप हो तो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत ही आसान सुंदर लगेगी, बट आई डोंट हैव राइट नाउ, सो आई एम यूजिंग दिस ओनली। अब इसे सूखने के बाद में, पूरी तरह अच्छे से सूखने के बाद में, अब जो हम करने वाले हैं वो है गोल्डन स्प्रे पेंट। और गोल्डन स्प्रे पेंट मेरे पास में पहले से रखा हुआ था मैंने, तो उसके ऊपर गोल्डन स्प्रे कर देंगे। और गोल्डन स्प्रे सूखने के बाद में, इसको अच्छी तरह काफ़ी देर तक सुखाने के बाद में, दो माय डियर वाज रेडी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।